हेलो फ्रेंड्स, पीएस इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम तीन सॉकेट और तीन स्विच का बोर्ड बनाकर दिखाएंगे। देखिए, हमारा सॉकेट हो गया और ये स्विच हो गया। चलिए अब हम इसका कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले हम स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में हम वायर कनेक्ट करेंगे। देखिए, जो ये येलो कलर की वायर है, हमारी फेज वायर है। हम सबसे पहले हम स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में हम इसको कनेक्ट करते हैं। फिर हम एक एंड को इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्ट किए। फिर हम इसी में लगा के इसमें कनेक्ट कर दिए। फिर एक एंड को हम इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। अब हम वायर को एक सॉकेट के साथ और एक स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे। इसी तरह से हम सारे सॉकेट और स्विच के साथ कनेक्ट कर देते हैं। देखिए, मैंने सारे सॉकेट को स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसमें रेड कलर की वायर लेंगे, जो हमारी न्यूट्रल है। देखिए, इस सॉकेट में हम रेड कलर की वायर लगाएंगे। फिर उसके बाद सेकेंड वाली सॉकेट में हम रेड कलर की वायर कनेक्ट किए। फिर रेड कलर की वायर को इस सॉकेट के साथ कनेक्ट कर दिए। और फिर जो हमारी ये लास्ट सॉकेट है, अब हम एक वायर इसमें कनेक्ट कर देते हैं। देखिए, हमारी वायरिंग हो गई है। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू से लास्ट तक देखें, तभी आप एक्सटेंशन बोर्ड बना पाएंगे। अब हम इसमें मेन फेज की वायर कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम वायर के एक एंड को हम स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे, जो हमारी फेज वायर है। और दूसरे एंड को हम
सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल यानी रेड कलर की वायर में हम कनेक्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक वायर को येलो कलर की वायर के साथ कनेक्ट किया है और दूसरे एंड को हम रेड कलर की वायर के साथ कनेक्ट किया है जो हमारी न्यूट्रल है। हेलो फ्रेंड्स, ये एक्सटेंशन कोड बहुत ही मजबूत और टिकाऊ है, इसे आप घर पर आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी मजबूत और टिकाऊ बोर्ड बनकर तैयार है। अब हम इस बोर्ड को होल्डर लगाकर चेक करके देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जगह सब चेक करके देख रहे हैं। देखिए ये भी जल रहा है, अरे भी जल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।